नमस्ते और शांति। आप सब श्रोताओं का आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा को पहचाने, आत्मा को ही समझें, तब जाके आप परमात्मा को पहचान पाएंगे और आप आध्यात्म आत्मा का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज के ईश्वरीय वरदान में 256वें वरदान में जाने से पहले आप जाकर के नीचे लिंक पे जाकर के शरीर और आत्मा दोनों, मानसिकता और शरीर की जो भी एक्सरसाइजेस है वो आप जाकर देख सकते हैं इस लिंक पे प्लेलिस्ट में। तो आज का वरदान पावा कहते हैं, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले। अगर हम अपने घर को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें सेवाधारी समझना पड़ेगा अपने आप को। सेवाधारी के अंदर कोई कमी नहीं हो सकती, सेवाधारी के अंदर अहंकार नहीं हो सकता, ईर्ष्या घृणा नफरत नहीं हो सकती है, मैपन नहीं हो सकता है। अहंकार मतलब मैंने किया, मैंने ही सही बोला, मेरे तरीके से होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये होने से वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण, वहाँ पे घर में घर का वातावरण खुशबूदार नहीं होगा, बदबूदार होगा। कौन सी बदबू? मानसिकता की बदबू गंदी होगी, यहाँ पे सोच गंदी होगी। आपके अंदर घृणा है, ईर्ष्या है, तो बच्चों में आ जाएगी और व्यक्ति में आ जाएगी, परिवार में आ जाएगी, सारी चीजें, इसका ख्याल रखिएगा। अब परमात्मा विस्तार में क्या कहते हैं देखें। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो। मनसा मतलब कि मन से अच्छे संकल्प करना, किसी के बारे में पवित्र सोचना, परिवार के बारे में ऊंचा सोचना, किसी के अंदर बुराई ना निकालना, किसी के बारे में कंप्लेन ना करना, इधर की बात उधर नहीं करना, मनसा सेवा। चाहे वाचा सेवा, वाचा से जो मन में है पवित्र पहले हुआ, फिर वाचा भी कैसी होगी? पवित्र होगी। यानी कि मन में कुछ और वाचा में कुछ, उससे घर नहीं चल सकता, उससे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, कोई जगह आगे नहीं बढ़ सकती। वह कर्मणा से सेवा, मतलब कर्म करते हुए सेवा करो, बोलना कम कर्म करो, पहले करो खुद फिर और आपको फॉलो करेंगे। यानी कि ये करो वो करो, ऑर्डर नहीं फेंकना। परमात्मा ने कहा है ऑर्डर नहीं करना है, पहले खुद करना है, तो लोग आपको देख करके खुद ही करना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते, हमेशा ही सेवा में। यानी कि सेवा अलग बात है, जैसे कि हम सोचते हैं कि एनजीओ में काम किया तो अलग बात है, और घर का काम करना अलग बात है, ऑफिस का काम करना अलग बात है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ऑफिस में हो चाहे घर में हो, चाहे आप एनजीओ में काम कर रहे हो, कहीं भी सेवा दे रहे हो, हर जगह सेवा है आपकी। बिकॉज ये नहीं कि आप घर में आके बदल जाओगे, आप काम करने जगह में और कुछ बन जाओगे, और जो एनजीओ की जगह है, जो सेवा की जगह है, जो अच्छे कर्म की जगह है, रिलीजियस वर्क की जगह, वहाँ पे आप बहुत सीधे बन गए, यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और, यहाँ भ्रष्टाचारी यहाँ श्रेष्ठाचारी, ये नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर आप भ्रष्टाचारी हो रहे हो, यहाँ पे अगर श्रेष्ठाचारी हो रहे हैं, तो घर वाले भी तो देख रहे हैं कि पापा ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करती हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा दिखाते हैं, यहाँ पे अपना कुछ और गड़बड़ करते हैं, तो उससे सेवा नहीं होगी, वो घर भी बिगड़ जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बिगड़ जाएगी। इस चीज़ पे देखें मनसा वाचा कर्मणा। फिर बाबा कहते हैं सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। ये मेरा घर नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ घर है। यहाँ पे अगर मैंने अपने बर्तन साफ किए, पोछा लगाया, झाड़ू किया, तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, अरे मैं कैसे करूँ, मैं तो किसी को रखूँगा करने के लिए, खुद भी कर लिया तो मैंने अपने लिए नहीं किया है, मैंने परमात्मा के घर में सेवा करी है। क्योंकि घर किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। लेकिन अगर ये मेरा घर हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाती है वहां पर। परमात्मा इसलिए कहते हैं सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। तो घर में भी हम कैसी बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ का असर पड़ता है, वहां से वातावरण बनता है घर का। तो घर में भी अगर ऊंच नीच की बातें हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे करना, खींचना किसी को, किसी को नीचे दिखाना, तो ये भी चीज़ घर में सेवा नहीं होनी देती, घर को गिरा देती है। परमात्मा कहते हैं सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। क्या त्यागना है? मैंने किया, मुझे मिले, मेरे आइडियाज़ अच्छे हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए। त्याग, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, घृणा का त्याग, त्याग करेंगे तभी सेवाधारी बनेंगे। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। प्रवृत्ति मतलब फैमिली लाइफ में जो त्याग करते हैं वो तपस्वी हो जाते हैं। लोग उनको देखते हैं, इनके अंदर तो इच्छा ही नहीं है, इनको कोई अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये कैसे रह पाते हैं अपने घर में रहते हुए सब कुछ करते हुए? ये तो बाकी घरों में तो क्या महाभारत चल रही है, हाँ भाई भाई के बीच में महाभारत है, मामा भतीजे के बीच में महाभारत है, माता पिता के बीच में महाभारत चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो ये कैसे रह पाते हैं? इन्होंने त्याग कर दिया। जहाँ त्याग है वहीं पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर सबके अंदर इच्छाएं हैं, त्याग नहीं है, मेरा हो, मेरी बात माने,
तो वो घर में कभी भी तू तू मैं खत्म नहीं होगी, जो त्याग कर लेगा वहां पर तू तू मैं खत्म। तो परमात्मा कहते हैं होकर रहते हैं जिससे सेवा स्वतः होती है। त्याग मुहूर्त मतलब सेवा, अगर त्याग नहीं है तो सेवा हो ही नहीं सकती वहां पर। तो आज के ईश्वरीय वरदान अगर आपने अनुभव किया हो या आप ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा अपने कमेंट बॉक्स में नीचे, और औरों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको लगता है कि औरों की जिंदगी बदल सकती है इससे। तो आज का दिन आपका शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।